तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर 3 यानी कि a की पावर m, और पूरा पावर हम m कितना मान लिया, 5 मान लिया, तो यहाँ पर 5 मान लिया गया। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जब घात के ऊपर घात होगा तो इसको हम क्या कर लेंगे, घातों का गुणा कर लेंगे। घातों का गुणा का मतलब है कि ये 3 और 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 5 तो 4 15। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं